हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मेरे पास एक बोर्ड है, चार्जिंग बोर्ड। इसका हम चार्जिंग कनेक्टर को चेंज करेंगे, लेकिन दिक्कत क्या है, इसका जो माइक है इस चार्जिंग कनेक्टर के एकदम बगल में है। ये माइक चार्जिंग कनेक्टर के इतने बगल में है कि हॉट गन मशीन से अगर चार्जिंग कनेक्टर को निकालने जाएंगे या फिर रिप्लेस करने जाएंगे तो ये माइक 99% खराब होने का चांसेस है। और अगर आप नए टेक्नीशियन है, अभी अभी काम स्टार्ट किया है, तो आपके हाथ से ये माइक 100% खराब होगा ही होगा। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है नए टेक्नीशियन के लिए। तो मैं आज आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप इस माइक को 100% सेव कर सकते हैं और चार्जिंग कनेक्टर को भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जो दोस्त मेरे इस चैनल में पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास वाला बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि मैं जब भी इस तरह का कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, माइक को सेव करने के लिए हमें इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो इनमें से आप कोई भी एक को यूज़ कर सकते हैं। ये वाला आपको हार्डवेयर दुकान में मिलेगी और ये वाला आपको कोई भी मोबाइल पार्ट्स के दुकान में मिल जाएगी। मैं इस सिल्वर टेप का यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा हीट को अपने अंदर सोख लेता है या फिर GND में भेज देता है। इसी वजह से माइक खराब होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। तो मैं माइक के ऊपर टेप को इस तरह से अप्लाई करूंगा। आप अच्छी तरह से देख लीजिए, आपको भी इसी तरह से काम करना है। चारों ओर अच्छी तरह से दबा के हमें एयर पैक करना पड़ेगा, ताकि हीट माइक तक ना पहुंचे या फिर जितना हो सके कम से कम पहुंचे। तो आप देख सकते हैं, मैं माइक को अच्छी तरह से एयर पैक कर दिया हूँ, टेप को अप्लाई कर दिया हूँ। चार्जिंग कनेक्टर के सारे पॉइंट पर, सारे पिन पर हमें पेस्ट का अप्लाई करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा यूज़ करना है हमें। अब चार्जिंग कनेक्टर के सारे पॉइंट को हम रिसोल्ड करेंगे सोल्डरिंग आयरन की मदद से, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे PPD पेस्ट, कोई रॉन्ग वायर यूज़ नहीं करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें और ध्यानपूर्वक देखें, ताकि इसकी सारी जो टेक्निक्स है वो आपको समझ में आ जाए। इस चार्जिंग कनेक्टर के बैक साइड, फ्रंट साइड के सारे पॉइंट्स को हम अच्छी तरह से रिसोल्ड करेंगे। तो मैंने इसके सारे पॉइंट को अच्छी तरह से रिसोल्ड कर दिया हूँ। अब चार्जिंग कनेक्टर के बॉडी पर हम थोड़ा पेस्ट का अप्लाई करेंगे। अब दोस्तों, एक मोटा बीट का सोल्डरिंग आयरन ले लेना है, और यहाँ पर आप रंग का भी यूज़ कर सकते हैं, PPD पेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। रंग को हम इस तरह से बॉडी के ऊपर अप्लाई करेंगे। अगर आप चार्जिंग बोर्ड को PCB स्टैंड पर सेट कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सोल्डरिंग आयरन पर रंग लगा के बॉडी पर इस तरह से रब करना होगा, और इसे तब तक रब करते जाना है जब तक इसके सारे पॉइंट के रंगा पिघल ना जाए, और बीच बीच में इसके जो 5 पॉइंट है उसे भी हम रिसोल्ड करते जाएंगे। जैसे ही चार्जिंग कनेक्टर के सारे पॉइंट के रंग पिघल जाए तो चिमटी से हमें धीरे से बोर्ड से अलग कर देना है। अगर आप इस टेक्निक से काम करेंगे तो आपका कोई भी माइक खराब नहीं होगा। अब हम इस पर नया चार्जिंग कनेक्टर लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें सारे पॉइंट को अच्छी तरह से डिसोल्डर विक की मदद से क्लीन करना पड़ेगा। तो मैं डिसोल्डर विक की मदद से जल्दी से क्लीन कर लेता हूँ। अब थिनर की मदद से मैं बोर्ड को और भी क्लीन कर लूँगा। तो चलिए इसके सिल्वर टेप को हम रिमूव करते हैं और देखते हैं हमारा माइक का कंडीशन। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा जो माइक है वो एकदम परफेक्ट कंडीशन में है। तो चलिए इस पर हम नया चार्जिंग कनेक्टर को प्लेस करेंगे। चार्जिंग कनेक्टर के 5 पॉइंट पर हम पेस्ट का अप्लाई करेंगे। अब 5 पॉइंट पर हम PPD पेस्ट का अप्लाई करेंगे। अब चार्जिंग कनेक्टर के बैक साइड से हम पेस्ट का अप्लाई करेंगे, फिर PPD पेस्ट का अप्लाई करेंगे। अब चार्जिंग कनेक्टर के 5 पॉइंट पर हम पेस्ट का अप्लाई करेंगे, फिर PPD पेस्ट से हम सोल्ड करेंगे।
तो दोस्तों हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अगर आप इस ट्रिक से चार्जिंग कनेक्टर को रिप्लेस करते हैं तो आपका जो माइक है वो 100% सेफ रहेगा। तो यही था आज का वीडियो दोस्तों। पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और पास वाला बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि मैं जब भी इस तरह का कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय नमस्कार।